हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको NIH की माइक्रो लैब दिखाऊंगा, माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे कल्चर वगैरह बनता है, बाकी चीज़ें जो होती हैं। तो हुआ ये कि ऑडिट हो रहा था, तो जिसकी वजह से माइक्रो लैब में हम नहीं जा सके, इंटर्नशिप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं नहीं जा सके। तो आज और कल ऑडिट ख़त्म हो गया है, तो आज जाएंगे हम इंशाल्लाह, तो आपको दिखाएंगे माइक्रोबायो लैब NIH की, क्या क्या पढ़ा है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा वहाँ पे काम होता है, सब चीज़ें। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। Oh, you tell me stories. You tuck me in. चलते हैं और बुलाएं सुबह नदी सफल ना हाजा वहाँ पर ना लोगों के लिए ना जा रहा ना दामन कभी गए 500 का। And the second you leave, if I call you right back to check for monsters in my sheets. मैं तो पहुंच गया हूँ, अभी दो नूब नहीं आए, उनका वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आते हैं। 5 minutes later. मैं जा रहा हूँ अंदर, देखते हैं लैब जाते हैं, आ जाएंगे क्योंकि टाइम में कॉल भी नहीं उठा रहे। मैं अंदर जाने वाला ही था तो ये देखा नूब आ रहे हैं दोनों। नूब सर कमिंग। जैन लीक्स अबे उसको बैन से समझाया। मार्केट लीक्स लेट क्यों आया है? लेट इस शख्स की वजह। मैं उधर वेट किया, कॉल किया, तुम लोगों ने उठाई नहीं। आया किसको किए भाई तुझे? मैंने कहा था नहीं, मैं यार जाने वाला, मैंने मुंह धोता हूँ इधर। हेलो गाइस, आज फिर हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर, ऑडिट है या नहीं आज जाके पता चलेगा। रात को बात होगी है। अच्छा, आज माइक्रो लैब दिखाना है फुल प्रोटोकॉल के साथ, सही है ना? बी रेडी। ये इसने वैसे भी माइक्रो किया है बैचलर BS में। ये बंदा से घर में पानी नहीं आता, डेली आ गए इधर मुँह धोते हैं। और उसको देखो इधर पानी में नहाने शुरू कर दिया। ये जो लगाएगा ये यार किसने दानी ऐसे तैयार हो, ऐसे अभी शूट पे जाना है, इसने कंघी शंगी निकाल के बाल पूरा ऐसा मॉडल, अभी कैट वॉक पे ले जाएगा। तू बता तैयार हो गया? टोपी पहन वो उधर मट्टी वगैरह वो अमेरिका से जो इंपोर्ट टोपी की है वो पहन, दोनों लू ने भेजी। ये जो होता है इसको यू मारते हैं। दानिश थंब लगा इधर, दानिश थंब ट्राई अगेन, मांग रहे अभी तक नहीं कराया अपना सिस्टम से। मेरी सैलरी तेरी आएगी 5 तारीख। कह रहा कोई काम कबूतर दिखाऊं, कबूतर नहीं माइक्रो लैब। खजा को मैंने बोला था, कहते नहीं खजाने खजाने के डब्बे देख मांग रहे। दानी जी एक सवाल है तेरे से, ये क्या चीज़ है तू बता? हो गया इसे तो पकड़ ले, इधर देख इधर अंदर। ये मीडिया प्रिपरेशन ऑटो क्लेव मेन माइक्रो लैब, ये चल बता इसमें क्या सीन है मागरे। बैटरी को एक सेंसर है, इनके ऊपर ये हमने मीडिया कल्चर कराया है और उसके ऊपर अब ये स्ट्रीकिंग करके इस लूप के थ्रू हम लोग ग्रोथ करवाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। यो लेबलिंग चले आप अंदर आ जाएं, आप पहले लेट हैं। लैब कोट जिंदा है यार, अंदर मैं मदद करूंगा। 5 minutes late कल्चर वगैरह प्रिपेयर होता है, ये ऑटो क्लेव है तो सेटलाइजेशन के लिए काम आएगा, स्टरलाइजेशन वगैरह। उसके बाद आप इधर ये क्या है, ये वेट करेंगे जितना चाहिए हमें वेट बैलेंस, और ये वाटर बाथ भी गर्म हो गया। ये क्या है, ये भी है लेकिन नाम नहीं पता इसका। और ये फ्लास्क पड़े हुए हैं और यहाँ पे मीडिया वगैरह पड़े हुए हैं, इस साइड पे एक्सपायर मीडिया है।
लैब टेक्नीशियन। अच्छा, ये सबसे पहले ना सैंपल यहाँ पे आता है, एपिडेमिक का कोई सैंपल है जैसे कोई वबा या कोविड आया था जैसे उस तरह से, और यहाँ पे यूरिन के सैंपल आते हैं। तो यहाँ रिसीव हो गए, इनमें रखते हैं या एंट्री होती है आप, ठीक है, रजिस्टर्स में एपिडेम से कंप्यूटर्स में एंट्री होती है, एंड देन आप उस पर वहाँ वर्किंग शुरू करते हैं पूरे एरिया में। और ये बोर्ड ये इन्होंने रखा है कि हमें आज क्या क्या करना है। और सैंपल अपडेट, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यहाँ से हमारी माइक्रो लैब स्टार्ट हो रही है, और पहली चीज़ यहाँ आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिक जो यूज़ होते हैं यहाँ पर, लाइक रैक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, इन पे वायल्स रखते हैं हम यूज़ करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिस्कार्डर यहाँ पर है, ठीक है, और ये डिफरेंट आप देख रहे हैं कुछ रिएजेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ पेन पेंसिल लेबलिंग के लिए मार्कर वगैरह रखे हुए हैं, और वो भी कुछ रिएजेंट्स पड़े हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर हम ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस स्लाइड को व्यू करते हैं अंदर माइक्रोस्कोप, और चेक करते हैं इसके अंदर क्या सीन है। इसमें आता है ना, ये फोकस करना पड़ेगा उसके बाद। ये स्लाइड्स पर स्लाइड्स, ये पेट्री डिशेस पड़ी हुई हैं जिनमें मीडिया बना हुआ है, और कुछ में ये ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। इसका नहीं बता गया आ जा, ये वो है ना वोर्टेक्स, इसको मिक्स करने के लिए इसमें ऐसे ऐसे गेट अ जेंटल वर्क। और ये वेब बैलेंस वेट बैलेंस, ये एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी, ये क्या है? ये बैक्टीरिया एनालिसिस में बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन होती है कि बैक्टीरिया है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को चेक करते हैं। फोटो फिक्स फिक्स हो जाता है, ये प्रिंटर वाला इसका, ये बताओ इसमें क्या होता है? ये यूज होता है स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपके कल्चर में कौन सा बैक्टीरिया है। अच्छा, ये कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हैं इसके साथ, और इस पे इसका रिजल्ट इससे ये है ना कि स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन होता है, पता चलता है कि बैक्टीरिया कौन सा है कल्चर में प्रेजेंट, स्पीशी का नाम पता चल जाता है, नाम वगैरह। बड़ी हैवी मशीनरी है, महंगी होनी चाहिए। ये यूपीएस स्मार्ट, ये भी वही है दोनों के सेम ही लग रहा है। ये इनक्यूबेटर है, यहाँ पे सारा कल्चर वगैरह करके ना इनक्यूबेट करता हूँ। दिस इज लैमिनेट फ्लो हुड टू मेंटेन द स्टेराइल एनवायरनमेंट। ये वर्किंग, ये भी है ना चेक करा दे यार, माउथ फ्लोरा प्राइवेट जगह नहीं दिखा रहे एक तो जगह तंग आ गई है, दरवाजा बंद है, दूसरा और ये इतना कम है, यहाँ से कैसे गुजरे हैं, बड़ा फंस गए थे। तू आई कांगड़ी पहलवान, इसको देखो एक बार डर भी आया आज। आज ये था सारा आपको हमने दिखाया, टूर कराया माइक्रो लैब और जो कल्चर वगैरह सारी मशीनरी वगैरह। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्नैन, आप तो माइक्रो लैब दिखाने वाले थे हमारे व्यूअर्स को, आज क्या हुआ? आते हैं खबर, इसकी बत्ती गुम हुई है, लेट आए और उसके बाद ये अभी घूम नहीं सक रहा लैब में कहीं। ये पापी तो सजा मिली हुई, कॉर्नर पे खड़े हैं, हम कुछ नहीं दिखा सकता आज आपको। कौन सजा है? आज 500 का पेट्रोल रहा है पहली बार भाई, मुबारक हो, बहुत मुबारक। खैर, अब तुझे स्क्रिप्ट से क्यों हटता है?
तो क्या मैं नहीं तुम्हें बोल मुबारक हो ये बहुत क्या।